अब भी पाकिस्तान से आई हैं। हाँ जी, वहाँ ये चाचा सही बोल रहे हैं, वहाँ पर परेशान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बोलते थे, बहन बेटी को गिरवी रख दो। हाँ, गिरवी रख दो, कर्जा नहीं है तो गिरवी रख दो अपनी बेटियों को। क्या बोलते थे, गिरवी रख दो। कहता है, बोलता है हमारा कर्जा दो, नहीं देते हैं तो जो बोलते हैं कि तुम्हारा बेटी दे दो हमारे को। क्या बोलते थे, बेटी दे दो, बेटी दे दो। इतना निकम्मा निकल गया पाकिस्तान वाला, बेटी मांगता था। इसका जरा भी शर्म नहीं आती है तुमको कि अगर ये लोग कर्जा नहीं दे पाते थे तो बेटी मांगते थे। तुम कहाँ से आए हो, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हो, वहाँ परेशान करते थे, छेड़ते थे, इसकी वजह से इधर आ गए। पाकिस्तानी लोग छेड़ते थे, इधर कान हो जाता है तो बस थोड़ी है, कहते हैं अपनी बेटी दे दो, बेटी दे दो। मानवता नहीं थी वहाँ पर। नहीं है भैया, कुछ नहीं है। फिर लोग भारत की राजधानी दिल्ली में है और उस इलाके में है जहाँ पर कुछ पाकिस्तान से लोग आए हैं जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। ये पाकिस्तानी हिंदू हैं और यहाँ पर हिंदू मान्यताओं को मान रहे हैं। 10-15 दिन पहले जो है ये लोग पाकिस्तान से आए हैं। आज वही पाकिस्तान जो भूखा नंगा भिखमंगा देश हमारा बेटा जिसके हम बाप हैं, वही पाकिस्तान में ये लोग रहते थे। लेकिन इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि लोग पाकिस्तान छोड़कर जो है हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गए हैं। अब भी पाकिस्तान से आई हैं। हाँ जी, वहाँ ये चाचा सही बोल रहे हैं, वहाँ पर परेशान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बोलते थे, बहन बेटी को गिरवी रख दो। हाँ, गिरवी रख दो, कर्जा नहीं है तो गिरवी रख दो अपनी बेटियों को। क्या बोलते थे, गिरवी रख दो। किस लिए, कर्जे के लिए। हाँ, उधार के लिए। कर्जा ली हुई थी आप लोग, कर्जा लेके खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, जब नुकसान हो जाता है। हाँ, तो बसते थोड़ी है, कहते हैं अपनी बेटी दे दो, बेटी दे दो। मानवता नहीं थी वहाँ पर। नहीं है भैया, कुछ नहीं है। फिर भाग क्या, इंसानियत नहीं है। नहीं, अपनी ही बहन को वहाँ पर बहन नहीं समझते है क्या। चाचे की बेटी खुद लेते हैं। चाचे की बेटी ब्याह करते हैं वो खुद ही वहाँ पे। कोई इंसानियत, कोई मानवता, कुछ भी नहीं। अपनी बहन बेटी से ही ब्याह कर लेंगे, अपनी बहन बेटी कोई बचाते नहीं है वो। ये चीज वहाँ पर आपने देखा था क्या? हमने खुद देखा। फिर बाग क्या आ गया अपने देश में। परेशान हो गई थी, परेशान। आप लोगों के ऊपर भी लोग गलत कमेंट करते थे क्या? बहुत ज्यादा हद से गुजर गए भैया। बस फिर आ गए अपने। क्या बोलते थे वहाँ पर, कुछ बताइए लोगों को। बच्चे के कोई तालीम नहीं थी, कलमा पढ़ाते हैं, अच्छे दिन ही है। कहते हैं हमारे साथ रोटी खाओ, तो उनकी रोटी क्या होती है, अपनी गाय माता का मीट होता है, फिर हम कैसे खाएंगे, तो नहीं खाए बस हम। यहाँ गाय का मीट का रोटी खिलाते थे आप लोगों को, लेकिन आप लोग कभी नहीं खाए। कभी नहीं खाए। आपकी भी बेटी उठी है क्या? हाँ, बेटी है, बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, लेके हम आ गए। अच्छा, जब वो ये शब्द बोलते थे कि बेटी को गिरवी रख दो, तो क्या बीतती होगी आपके ऊपर? बस भैया, जो बीतती है वो तो हमें पता है या भगवान को पता है। देख सकते हैं ये माता है, और उस माता का सीना फट जाता होगा, सोचती होगी कि माँ सीता की तरह मैं धरती में समा जाऊं जब मेरी बहन बेटी को कोई गिरवी रखने की बात करता हो तो। हाँ जी, खून के आंसू रोते थे आप लोग, लेकिन इज्जत नहीं बेचा। जब बोलते थे उसी वक्त जैसे हम कहते हैं धरती हमें जगह दे दो, बस जगह दे दो। जवान जवान सब बेटियां थी हैं? सब बेटियां, जो बेटियां हमारी नहीं आए, जो बेटे नहीं आए उन्हें छोड़ के भी आ गए। कौन कौन नहीं आया आपके? हमारे परिवार हैं कुछ, आस्ते आस्ते अब नए आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। जब ज्यादा परेशान हो गए तो? ज्यादा ही हो गया, से गुजर गए, पाकिस्तान नहीं रहा अब। नहीं रहा, नहीं रहा। अच्छा, उसको क्या लगता है कि जल्दी बर्बाद हो जाएगा वो? जल्दी बर्बाद हो तो क्या, और क्या होगा। मोदी जी एक मिसाइल दागिए, पाकिस्तान भस्म हो जाए। ये बताइए कहाँ से आई हैं आप लोग? पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान से आई है, वहीं पर पैदा हुई थी क्या? अच्छा, तो वहाँ से चली क्यों आई आप? बस महंगाई हो गई है और सस्ता ही हो। थोड़ा इधर और आ जाइए, इधर आइए इधर। वहाँ पर कोई परेशान और परेशान तो नहीं करता था? बस कोई करते थे, कोई नहीं करते थे। ज्यादा करने वाले थे या कम करने वाले थे? बस ज्यादा करने वाले, परेशान ज्यादा करने वाले थे। किस तरीके से परेशान करते थे, छेड़खानी या कहते थे धर्म परिवर्तन, क्या बोलते थे वहाँ पर लोग? बोलते बागड़ी घूमे, हिंदू घूमे, रहना धर्म नहीं है तुम्हारा, इधर अपने मुल्क में जाओ। क्या कहते थे, हिंदू धर्म रहने का इधर जो है हक नहीं है, तो अपने मुल्क जाओ। रोज ऐसे बोलते थे, रोज बोलते। वहाँ काम क्या करती थी आप लोग? बस यही बेचते थे, ये सुर्खी टीका और बिंदिया इंदिया सारे बेचते, बेचती थी वहाँ पर, सुर्खी पाउडर। अच्छा, वो क्या बोलते थे कि यहाँ रहना धर्म परिवर्तन भी कर लीजिए? सच में? हाँ, उधर बोलते तुम अपने, इधर आ जाइए, धुआं लग रहा है, इधर आइए ना। क्या बोलते थे, आइए इधर थोड़ा सा। क्या बोलते थे वहाँ पर लोग? कुछ नहीं बोलते थे। परेशान करते थे क्या?
नहीं भाई। हाँ परेशान करते थे हम लोग, हमने बोला हम हिंदुस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में रहना अच्छा नहीं है। तो वहाँ से चली आई आप? हाँ इधर हम आ गए। पाकिस्तान में कहाँ रहती थी? पाकिस्तान में कराची में। कराची में रहती थी? हाँ कराची। कितने दिन पहले आई हैं आप लोग? हम 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन पहले पाकिस्तान से आई हैं। हाँ। तो अब वहाँ जाने का मन करता है कि नहीं? नहीं हम नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। अच्छा वहाँ जैसे आप लड़की हैं, महिला हैं, कोई परेशान तो नहीं करता था, छेड़ता तो नहीं था ऐसा? छेड़ते थे, इसकी वजह से इधर आ गए। पाकिस्तानी लोग छेड़ते थे? हाँ इधर आ गए। इधर आ गई। हाँ। वहाँ घर था या क्या, झुग्गी झोपड़ी क्या थी? घर बने हुए थे, झुग्गियाँ बनी, झुग्गी हुआ। तो कैसे वहाँ से, किस तरीके से आई? ट्रेन से आई, जहाज से आई, या पैदल आए, कैसे आए आप लोग? ट्रेन से आए। ट्रेन से? वीजा पासपोर्ट लगा के? हाँ वीजा पासपोर्ट बना। अच्छा पिताजी और माताजी वहाँ पर क्या करते थे लोग? कबाड़ी का काम करते थे। मम्मी सुर्खी पाउडर बेचने जाती थी। मम्मी सुर्खी पाउडर बेचने जाते थे। जो है आप क्या करती थी, पढ़ाई वढ़ाई करती थी वहाँ? नहीं हम पढ़ाई नहीं करते, घर में रहते थे। पढ़ाई क्यों नहीं करती थी? हम पढ़ने नहीं जाते, उधर कलमा पढ़ाते थे इसलिए नहीं जाते। क्या पढ़ाते थे? कलमा पढ़ाते थे, नहीं जाते थे। पाकिस्तान में कलमा पढ़ाते थे इसलिए नहीं जाते थे? नहीं हम नहीं जाते थे। अच्छा कई बार यही बोला कि हिंदू धर्म छोड़ दीजिए क्या? क्या बोलते थे? बोलते छोड़ दिया, हमारे मुसलमान नहीं बनते थे। हाँ बोलते थे लेकिन आप बनी नहीं? नहीं हम नहीं बने। अच्छा और ज्यादा प्रेशर करते तो इधर हम इसलिए आ गए। इसलिए आ गई हैं। अच्छा ये बताइए वहाँ पर मतलब शादी या निकाह जो होता है वो वहीं उन्हीं के धर्म के हिसाब से करना होता है? नहीं हम नहीं करते थे, हमारे धर्म से करते थे। अच्छा आप अपने में ही करते थे? हाँ, लेकिन वो लोग फोर्स करते थे? नहीं फिर हम जोर जबरदस्ती करते, हम नहीं करते थे। जोर जबरदस्ती करते थे वो लोग? हाँ, हम नहीं करते थे, हमारे धर्म में करते थे। कितने साल वहाँ तक रही हैं आप लोग? 8 साल। 8 साल रही हैं। कितना उम्र हुआ अभी? अभी 15-16। 15-16 साल। वहीं पर मतलब यहाँ पैदा हुई थी वहाँ पे? वहाँ ही पैदा हुई। पाकिस्तान में ही पैदा? हाँ, हुई थी। पाकिस्तान। पिताजी इनके कहाँ हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं, बहुत हो गए इसके। जो है एक्सपायर कर गए क्या? पिताजी नहीं है क्या? नहीं पिताजी नहीं है मेरा। कहाँ पे है एक्सपायर कर गए? मर गए। कहाँ पे, पाकिस्तान में या यहीं पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान में मतलब अपनी मौत मरे थे या किसी ने मारा? नहीं अपनी मौत मरे थे। ये लोग वो लोग हैं जो हमारे बेटे यानी भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान के यहाँ जो है पाकिस्तान में रहते थे। जो पाकिस्तान अपना पेट नहीं भर सकता है वो इन लोगों का पेट क्या भरेगा? जो पाकिस्तान अपने लोगों को रोजी रोजगार नहीं दे सकता है उन्हीं भारतीय नागरिकों की रक्षा कैसे करेगा? आप पाकिस्तान से ही आए हैं? हम भी पाकिस्तान से ही आए। हिंदू है या मुस्लिम? हम हिंदू है, मंत्रण से हिंदू है। हिंदू है तो वहाँ से वापस क्यों आ गए आप लोग? वहाँ से इसलिए आए हैं, वहाँ हिंदू के कोई समस्या का समाधान नहीं है। कोई सुनता नहीं है? कोई भी सुनता नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हिंदू की कोई भी नहीं सुनता है। वहाँ कोई नहीं सुनता है? वहाँ कोई नहीं। अच्छा, सुनता क्या है? बोला कुछ और भी बोला जा रहा था क्या आपको? वहाँ ये है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरदस्ती फिर कोई नौजवान होता है हिंदू बाहर जाता है कोई सामान लेने या काम करने, उनको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता है। जबरन उनके साथ फिर लड़ाई मारपीट करते हैं जबरन। सच में? सच मतलब में वहाँ जबरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन करवाया जाता है? धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता है, वो कर रहे भी हैं, कई कर चुके भी हैं, न्यूज भी देख सकते हो आप। वहाँ की अच्छा, बहुत सारे लोग बदल भी लिए? बहुत सारे, वो मजबूरी में क्या करे, उनको बदलना पड़ा, कोई आगे का कोई उनका समाधान नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उस जगह पे चले जाए। मतलब पाकिस्तान में रहना है तो हिंदू बन के नहीं मुसलमान बन के रहिएगा, अगर आप हिंदू है तो धर्म परिवर्तन करना होगा आपको। हाँ ये बात आपकी 100% सही है। अच्छा जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मित्रों, ये सब के सब लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन ये इनका तन मन धन सब हिंदूवादी है और इनका धर्म कहीं ना कहीं हिंदुस्तान है, इनकी जात हिंदुस्तान है, लेकिन जब ये पाकिस्तान में थे तो यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया गया और बार बार कहा जाता था कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो जो है आपको मुस्लिम धर्म स्वीकारना होगा। आप भी पाकिस्तान में थे चाचा? मेरी बात सुनो जी, मेरे को 7.5 साल हो गया आए हुए। हाँ मैंने किस दुख के लिए आए हैं? हाँ मेरा जितना परिवार था सब छोड़ के आया था। आप छोड़ कर आए थे पाकिस्तान में सारा परिवार? हाँ 7.5 साल हो गया मेरे को। हाँ और इधर मैं चूहे की दवाई बेच के गुजारा कर रहा हूँ। जाता है बोलता है हमारा कर्जा दो, नहीं देते हैं तो जो बोलते हैं कि तुम्हारा बेटी दे दो। हाँ?
है हमारे को? क्या बोलते थे? बेटी दे दो, बेटी दे दो। इतना निकम्मा निकल गया पाकिस्तान वाला, बेटी मांगता था। इसके लिए हमने ये इज्जत के लिए सब परिवार हमने छोड़कर और साढ़े सात साल मैंने गुजारा करा। ये चूहे की दवाई बेच के मैंने रे भूखा नंगा भिकमंगा देश पाकिस्तान, जरा जरा भी शर्म नहीं आती है तुमको कि अगर ये लोग कर्जा नहीं दे पाते थे तो बेटी मांगते थे तुम? बेटी मांगते थे? क्या मांगते थे? मेरी बात सुनो, कर्जा नहीं देते थे तो बोलता तुम्हारी बेटी दे दो हमारे को, पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले, वहाँ के जमींदार बोलते थे। अब सोचो ये बाप है और इस बाप के कलेजे पर क्या गुजरती होगी जब इनके सामने इनकी बेटी का सौदा किया जाता होगा। तो चाची है, मैं इनसे पूछूंगा क्या ऐसा सच में होता है, ये सच में ऐसा होता है चाची? हाँ सब में से हो रहा है। ऐसे बोलते बेटी बहू गिरवी रख दो? हाँ सब बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? बस गिरवी रख दो बस। किसको? कुछ खाओ तो कुछ रखो उधर घर पे। लड़की लेके चले जाते हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती करके फिर बोलते हैं ये लड़की ने कलमा पढ़ लिया है, अब ये मुसलमानी हो गई है, हमारा दीन पर चढ़ गई है, अभी तुम्हारा वास्ता कुछ भी नहीं है। ये जबरदस्ती ऐसे बोलते हैं? हाँ, मात पिता का कोई आसरा नहीं होता है, भाई का आसरा नहीं होता है, जबरदस्ती करके बोलते हैं लड़की तुम्हारी वो बन जाए तो तुम ले जाओ, नहीं तो हम कलमा पढ़ाएंगे। और ये देखिए ये बाबू भी है, कहाँ से आए हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान से आए हो? वहाँ परेशान करते थे वहाँ के लड़के लोग? उनके साथ खेले कूदे हो कि नहीं? नहीं नहीं खेलते थे। क्या बोलती थी मम्मी? घर में रहो। क्या बोलती थी मम्मी? घर पे रहो। और क्या बोलते थे वो लोग वहाँ के लोग? बोलते थे खेलो ऐसे करो। वहाँ पाकिस्तान के लोग क्या बोलते थे? बोलो कलमा पढ़ो, मुसलमान बन जाओ तो रहो, नहीं तो जाओ। आप कलमा नहीं पढ़ते थे? नहीं। मुस्लिम भी नहीं बने और यहाँ हिंदुस्तान चले आए? यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वहाँ भी पाकिस्तान से आए हैं? मैं इंडियन हूँ, यही का मिलने आए। अच्छा मिलने आए हैं? आप पाकिस्तान से आए हैं? हम पाकिस्तान से आए, ये बात आपके 100% सही है। वो यही बोलते हैं ये हमारा इस्लामी देश है, इस्लामी देश है, इधर इस देश में कोई दूसरे धर्म का नहीं रह सकता, ये बोलते थे? ये बोलते थे, रहना है तो इस्लाम कबूल करो, खुशी रहो और आप लोगों को हर चीज मिलेगी, हर सुविधा मिलेगी। हम नहीं माने, नहीं हम ना मंजूर किए ना ये हम। आप नहीं माने? हम नहीं माने। नाक रगड़ते रह गए पाकिस्तान, लेकिन आप इस्लाम कबूल नहीं किए? वो नाक रगड़ते रह गए, हम इस्लाम कबूल नहीं किए, इसलिए हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वीजा पासपोर्ट लगा के भारत में आ गए। अच्छा।